Hi everyone, this is Varun Sharma and you are watching Pop Bollywood. Subscribe our channel and press the bell icon and never miss any update from popbollywood.com. हेलो गाइस, दिस इज ज्योति एंड यू आर वाचिंग पॉप बॉलीवुड। दोस्तों, आज हमारे साथ एक ऐसे एक्टर है जिन्होंने अपनी फिल्म से चूचा का किरदार निभाकर जहां पे ऑडियंस को बहुत हंसाया है, तो वही अब बॉलीवुड बजिंगा से सवाल पर सवाल पूछकर अब बॉलीवुड सेलिब्रिटीज का छक्के छुड़ाएंगे और ऑडियंस को भी बहुत हंसाने वाले। तो प्लीज वेलकम वरुण शर्मा। खुद का वेलकम मैं बड़ी देर से कर रहा था। तो सबसे पहले क्या कहेंगे बॉलीवुड बजिंगा? बॉलीवुड बजिंगा के बारे में यही कहूंगा कि बॉलीवुड बजिंगा एक बॉलीवुड मोस्ट एपिक बिग इंडियाज बिगेस्ट बॉलीवुड क्विज शो है। बॉलीवुड बजेगा एमएक्स प्लेयर पे आता है सैटरडे और संडे को 7 बजे एक एपिसोड ड्रॉप होता है। बहुत से सवाल पूछे जाते हैं फिल्मों के रिलेटेड, बॉलीवुड के रिलेटेड, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री को रिलेटेड। आप उन सवालों के जवाब आपको भी पता होंगे। बहुत सी गेम्स खिलाई जाती है और एंड में लोग जीतते हैं, उनको प्राइज मनी मिला जाता है, उनको गिफ्ट मिलते हैं और हमें प्यार। सो एमएक्स प्लेयर के साथ जुड़कर कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। आई थिंक मैं बना ही एमएक्स प्लेयर के लिए। ओके, डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आपका डेब्यू है, तो कितने एक्साइटेड है और कितने नर्वस भी है? मैं बहुत एक्साइटेड हूँ यार। मेरे को लगता है डिजिटल प्लेटफॉर्म पे मेरा डेब्यू है, मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। आई थिंक डिजिटल इज वन स्पेस विच इज जस्ट ब्यूटीफुल एंड इट्स ब्लूमिंग लाइक क्रेजी। एंड जो इवन जो व्यूअरशिप है एमएक्स प्लेयर की, जो सब्सक्रिप्शन बेस है, जो व्यूअरशिप है, आई थिंक इट्स इमेंस, इट्स ग्रेट। एंड आई एक्चुअली नर्वस नॉट बिकॉज ऑफ कमिंग ऑन डिजिटल, बट आई वॉज वेरी नर्वस होस्टिंग एंटायर शो, बिकॉज ये मेरे लिए, मैंने कभी लाइफ में से पहले क्विज होस्ट नहीं करा था, क्विज शो होस्ट नहीं करा था। वेरी एक्साइटेड टू बी अ पार्ट ऑफ इट एंड काइंड ऑफ सी हाउ इट फंक्शन, वॉट हैपन्स। सो द एक्साइटमेंट ऑफ दैट वॉज 100% वॉज देयर। सो एक्टिंग से लेकर होस्टिंग कैसा रहा सफर और कितना चैलेंजेस आपने फेस किया? अच्छा था, बहुत मज़ेदार सफर था। आई थिंक एक आर्टिस्ट के लिए सबसे बड़ी चीज़ होती है, सबसे खूबसूरत चीज़ होती है कि वो अपना टैलेंट शोकेस कर सके और अलग अलग माध्यम पे शोकेस कर सके। और आज के टाइम पे बहुत अच्छा टाइम है कि इतने सारे माध्यम हैं जहाँ पे आप अपने टैलेंट शोकेस करते हैं। सो आई एम वेरी हैप्पी एज एन एक्टर, देयर सम ग्रेट वर्क दैट्स हैपनिंग एज अ होस्ट, नाउ दिस इज स्टार्टिंग, इट्स जस्ट ब्यूटीफुल, देयर अ लॉट ऑफ थिंग्स आर हैपनिंग एंड आई फील वेरी ब्लेस्ड एंड हैप्पी दैट आई एम गेटिंग अ चांस टू बी अ पार्ट ऑफ ऑल। सो यहाँ पे आप होस्टिंग करें तो खुद को किस तरह से आपने प्रिपेयर किया है? प्रिपेयर मैंने ऐसे करा है कि क्विज शो का जो फॉर्मेट होता है, जो हमारे शो का फॉर्मेट था, मैं अपनी टीम के साथ 2 महीने बैठ के उनको क्विज खिलाता था, उनसे सवाल पूछता था, उनसे उस फॉर्मेट पे बात करता था। एंड दैट्स हाउ आई हैव नॉट गॉन बाय द बुक। आई हैव डन वॉट एवर आई एम हैविंग फन विद, वॉट एवर आई एम लाइकिंग इट, बिकॉज मेरा मानना है कि अगर मेरे को मज़ा आएगा वो चीज़ करते हुए तो लोगों को वो चीज़ में मज़ा आएगा देखते हुए। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू जस्ट हैव फन एंड जस्ट बी एट इट, ऑब्वियसली कीपिंग द फॉर्मेट इन माइंड, कीपिंग द कॉन्सेप्ट इन माइंड। सो आई हैव हैड अ लॉट ऑफ फन। तो यहाँ पे आप बॉलीवुड सेलिब्रिटी से सवाल पे सवाल पूछेंगे, आपने खुद को किस प्रिपेयर किया और आपको सबसे ज़्यादा मज़ा किसके साथ आया है? मुझे सबसे ज़्यादा मज़ा, हमने हमारे 26 एपिसोड है, 26 एपिसोड में 26 अलग अलग गेस्ट आए थे। मेरा फेवरेट जो मुझे सबसे ज़्यादा मज़ा आया, जिसमें सबसे ज़्यादा मस्ती हुई थी, वो ऑब्वियसली एक नौरा के साथ हमने एक एपिसोड किया था जहाँ पे नौरा फतेही आए थे और हमने लोगों से इकट्ठे मिलकर गेम्स खेलाए, बहुत सी बातें, मेरे उस एपिसोड में बहुत मज़ा आया। मानुषी चिल्लर जो मिस वर्ल्ड है, वो हमारे एपिसोड में आए थे, उनके साथ हमने गेम्स खेली और हमने गेम्स खिलाई, तो वो 2 एपिसोड है जिसमें मेरे को बहुत मज़ा आया। सो क्विज शो तो आप कर रहे हैं, तो पर्सनली आपको क्विज कितना पसंद है? मुझे बहुत पसंद है, मैं बहुत अच्छा क्विज देखता हूँ। ओके, आप बॉलीवुड में कैसे एडमायर करते हैं? एडमायर करता हूँ, सबको एडमायर करता हूँ। आई थिंक बहुत मुश्किल जर्नी हुई है हर बंदे की, एक डिफरेंट लाइफ जर्नी रही है इस इंडस्ट्री में ब्रेकिंग करने के लिए और यहाँ पे करने के लिए। सो आई एडमायर अ लॉट ऑफ पीपल फॉर दैट मैटर एंड माय आइडल एंड द पर्सन आई रियली लुक अप टू एंड द रीजन आई गॉट इनटू एक्टिंग इज मिस्टर शाहरुख खान। लाइक अमिताभ बच्चन ने भी होस्ट किया है और सलमान खान ने भी होस्ट किया, तो व्हाट डू यू थिंक कि आप भी इस रेस में अब खिलाड़ी आ चुके हैं? मैं तो अभी स्टार्ट कर रहा हूं, मेरी अभी फ्लैग ऐसे हुआ है मेरा, तो बहुत लंबी रेस है, बट रेस नहीं, आई थिंक मतलब आइकॉनिक पीपल आर लेजेंड्स एंड आई एम नोवेयर क्लोज टू दैट ऑल्सो एंड इट्स नथिंग ऑफ दैट थिंग। आई रियली होप दैट वन डे गिवन अ चांस आई हैव दैट कैलिबर एंड आई हैव दैट कैपेबिलिटी दैट आई कुड होस्ट लाइक दैट। अगर बात करें पर्सनली तो बॉलीवुड बजिंगा पे अगर आपको बुलाना हो तो पर्सनली आप किसे बुलाना पसंद करेंगे? मैं बहुत लोग हैं जिनको बुलाना पसंद करूँगा, बादशाह बाजी को मैं बुलाना चाहूँगा, वरुण धवन को मैं बुलाना चाहूँगा, कृति को बुलाना चाहूँगा, इंडस्ट्री अगर दोस्तों की बात करें तो दिलजीत बाजी को बुलाना चाहूँगा, बहुत से लोग हैं जिनको मैं शो पे बुलाना चाहूँगा और उनके साथ गेम्स और सवाल पूछना चाहूँगा। सो आपकी कॉमेडी किरदार को तो सब देख लिया, अब और क्या किरदार हमें देखने मिलेगा? बहुत से इंटरेस्टिंग चीज़ें हो रही है मैम लाइफ में अभी, फिल्म वाइज अभी एक फिल्म आ रही है अर्जुन पटियाला जो आएगी, जिसमें दिलजीत दोसांझ है, कृति सैनन है और मैं हूँ, तो वो एक फिल्म है जो आएगी। उसके बाद छिछोरे है जो नितेश तिवारी सर की फिल्म है, साजिद नाडेड वाला जी एंड फॉक्स स्टूडियोज उसको प्रोड्यूस कर रहे हैं,
उसके बाद एक अनटाइटल्ड फिल्म है जो अभी मैंने ख़त्म करी है, जिसमें सोनाक्षी है, बादशाह है, मैं हूँ, अनु कपूर जी हैं, नादिरा बब्बर जी हैं, वो अभी हमने ख़त्म करी है, वो आएगी। और अब मैं स्टार्ट करने वाला हूँ एक फिल्म जिसका नाम है रूह अफ़ज़ा, जो कि हॉरर कॉमेडी जॉनर की फिल्म है, जिसमें राजकुमार राव है, जानवी है और मैं। सो बायोपिक फिल्मों की काफ़ी फ्रेंड्स हो गए, इफ यू गेट द अपॉर्चुनिटी तो आप किसके ऊपर बायोपिक फिल्म करना पसंद करेंगे? मैं किसकी लाइव, मैं किसकी बायोपिक का हिस्सा बनना चाहूँगा? मैं एक्चुअली हिस्सा बनना चाहूँगा युवराज। यही बोलना चाहूँगा कि बॉलीवुड बजेगा, आप जरूर देखिए, बहुत से मस्ती होगी। इफ यू लव फिल्म, इफ यू लव बॉलीवुड, इफ यू लव दिल्ली फिल्म इंडस्ट्री, दिस इज द शो फॉर यू। So watch it every Saturday, Sunday, new episode gets dropped 7 p.m. on MX Player, and you can watch it anytime.